इवनिंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और मैं जा रहा हूँ समोसा खाने। समोसा खाने मतलब यहाँ मेरे घर के पास में एक बढ़िया सा पिकनिक स्पॉट है पिताली, जो हिराकुड डैम में लेफ्ट डाइक के कोने में है। बढ़िया जगह है, पिकनिक स्पॉट है। लोग वीकेंड में या फिर यहाँ का जो लोकल्स हैं वो वीकेंड में वहाँ पे पिकनिक मनाने जाते हैं, बाहर से भी आते होंगे। थोड़ा जंगल टाइप का फील आता है वहाँ पे, वहाँ मैं आज जा रहा हूँ। वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा समोसा लेंगे, थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे। क्या है कि घंटेश्वरी जाने के बाद शाम को घूमने का चस्का लग गया है, तो शाम को घूमने का मज़ा ही अलग है, तो इसीलिए अभी शाम को घूमना स्टार्ट किए हैं। जल्दी से निकलते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो फिर ब्लॉग नहीं बन पाएगा। मैं तो समोसा खा के आ जाऊँगा लेकिन आपके लिए मोमेंट कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए जल्दी से जल्दी निकलते हैं। स्वागत है आपका टू सी द वर्ल्ड में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। पहुंच गए जंगल में। यहाँ पे एक बढ़िया सा शिव मंदिर भी है लेकिन फिलहाल तो बंद है, पता नहीं ये कब खुलेगा या कब खुलता है, सब पैंडेमिक की वजह से, क्या करें। दोस्तों ये बढ़िया सा जगह का नाम है पीतापाली। यहाँ पे लोग वीकेंड में या फिर कभी भी जब मन हुआ, लोकल लोग पिकनिक मनाने आते हैं, हम भी कभी कभी घूमने आ जाया करते हैं। अभी थोड़ा पानी थोड़ा दूर है, नहीं तो पानी पास होता तो बढ़िया लगता है। और भी फिर भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त है, पूरा यहाँ तक पानी रहता है। अच्छा जगह है पिकनिक स्पॉट, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है लेकिन फिलहाल तो पानी बहुत दूर है। कायदे से तो वहाँ जहाँ पे वो घास दिख रहा है ना वहाँ पे बैठना था मेरे को, लेकिन पानी नहीं होने की वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। आगे कहीं पे अच्छा जगह ढूंढ के बैठते हैं। हाँ बस ये एक जगह लग रहा है बैठने का, यहाँ पे बैठते हैं। तो दोस्तों टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन फ्लो फ्लो में नाचते नाचते हम अपना कोल्ड ड्रिंक्स पूरा गिरा दिए, तो अभी बचा है सिर्फ समोसा जो कि अभी खाएंगे, और कुछ तो बचा नहीं है। समोसा खाएंगे, पानी पियेंगे, घर जाएंगे। आप इस जगह का व्यू देखिए, एक बढ़िया सा ड्रोन शॉट लिया है, आप यहाँ का व्यू देखिए, एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।